हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और मैं आपको बीएड एंट्रेंस के लिए हिंदी पढ़ाऊंगी। और जो मेरा जो पहला टॉपिक है वो है रस, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी इसके बारे में। ये जो चैप्टर है रस, ये बीएड एंट्रेंस में 2 से लेकर 3 मार्क्स तक लेकर इसके क्वेश्चन जो है आते हैं बीएड एंट्रेंस में। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। और क्या कहते हैं, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार किए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अभी एंड में इस वीडियो के दिखाऊंगी। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रस, ठीक है। तो रस जो है, आप सभी को पता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस रस की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, कोई कॉमिक बुक है, उसे हम पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद जो हमें जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे और पढ़ने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। और संस्कृत के जो आदि आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है पेपर में इस तरीके से कि संस्कृत के जो आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। इसके बाद हम अगर बात करें तो रस की संख्या की, रस की संख्या 8, 9 और 11 मानी गई है। 8 मानी है भरत मुनि के अनुसार, 9 मानी है शांत रस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि नवरस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए शांत रस है नवरस, ठीक है। अब 11वां, जो 11वें में जो 10वां रस है वो वात्सल्य माना गया है और 11वां रस माना गया है भक्ति रस, जो कि सूरदास के अकॉर्डिंग माना गया है। रस के 4 अंग माने गए हैं जिन्हें भावों में भी व्यक्त किया गया है। अगर हम कहें तो ये रहे आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे कि पहला है स्थाई भाव। स्थाई भाव होता है मन में स्थाई, ठीक है। और सेकंड होता है विभाव। विभाव होता है स्थाई भावों के अवबोधक कारण। अवबोधक होता है मतलब उसको बढ़ाने के जो कारण होते हैं वो विभाव आते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव होता है शारीरिक चेष्टाएं, मतलब कि जैसे कि चेहरे की हमारी भाव भंगिमाएं जो होती हैं वो अनुभाव में आती हैं। चौथा होता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव होता है मन में संचरण करने वाले, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम संचारी भाव कहते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी स्थाई भाव की। स्थाई भाव 9 होते हैं, प्रत्येक रस का एक स्थाई भाव होता है, मतलब कि रस 9 माने जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए 9 स्थाई भाव होते हैं, इसलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है, क्योंकि रस 9 माने गए हैं। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ विभाव की। विभाव ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विभाव कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विभाव 2 होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन में नायक और नायिका के बारे में वर्णन किया गया होता है और इसमें नायक आश्रय होता है, नायिका विषय होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम के मन में, मतलब आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो और विषय वो होती है जिसे देखकर मन में भाव उत्पन्न हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम के मन में सीता को देखकर भाव उत्पन्न हुए, तो यहाँ पर राम आश्रय है हमारे और विषय हमारी सीता हुई। अब हम बात करें उद्दीपन की। उद्दीपन होता है हमारा वातावरण, वातावरण जैसे कि एकांत और चांदनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुभव, अनुभव के 4 भेद माने गए हैं किंतु संख्या इनकी 8 मानी गई है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ जो 4 भाव है अनुभव के, पहला है कायिक। कायिक होते काया, ये शरीर से प्रकट करने वाला, जैसे कि हमारी जो एक हमारे शरीर से मतलब पर्सनैलिटी से जो पता चलता है। दूसरा होता है हमारी वाणी, वाचिक, वाचिक से प्रकट होने वाला, जो हम बोलकर बोलचाल की भाषा में से प्रकट करते हैं। तीसरा होता है हमारा आहार्य। आहार्य होता है वेशभूषा, जो हमने पहनावा पहन रखा है उससे जो प्रकट होता है वो होता है आहार्य। चौथा होता है हमारा सात्विक। सात्विक होता है जिस पर हमारा वस नहीं होता, ये 8 होते हैं। पहले नंबर पर होता है हमारा स्तंभ। स्तंभ हम जैसे किस तरीके से बैठे और हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा होता है स्तंभ। दूसरा होता है श्वेद। श्वेद होता है पसीना, जैसे कि कभी कभी डर के मारे हमारा पसीना पसीना हो जाना, ये होता है श्वेद। तीसरा होता है रोमांच, किसी इंटरेस्टेड कहानी को सुनकर मन एकदम रोमांच से भर जाना, तो उसका वो होता है हमारा रोमांच। और चौथा होता है हमारा स्वरभंग। स्वरभंग होता है कभी कभी होता है हमारी आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे आपके बड़ों के आगे आपकी कभी कभी आवाज़ दब सी जाती है, तो आपकी आवाज़ निकलती है, उसे कहते हैं स्वर का भंग होना। फिर हम बात करें 5वां होता है यहाँ पे कंप। कंप होता है कांपना। 6ठा होता है यहाँ पे विवर्णता। विवर्णता और होता है रंगहीनता, जैसे कि कभी कभी रंगों का अंतर ना पता चलना, जैसे कि धुंधला हटा जाना आंखों के आगे या अंधेरा सा छा जाना। 7वां होता है अशु। अशु होता है जैसे कि कभी कभी आपने देखा है आप कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, तो देखते देखते हंसते हंसते आपके क्या कहते हैं आंसू निकल गए, या फिर इमोशनल मूवी देखते आपका कंट्रोल नहीं होता और आपके आंसू निकल जाते हैं, तो वो होता है अशु। फिर है 8वां। 8वां होता है प्रलय, मतलब एक भय रहना दिल में कि प्रलय जैसा, तो वो होता है प्रलय। अब मैं आपको बताऊंगी संचारी भाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अस्थिर मनोविकार, इसकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी रस। मैंने आपको बताया रस 8, 9 और 11। आपको एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रस कितने होते हैं, तो आपको 9 बताने हैं, रस 9 होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 11 रसों का वर्णन है जो मैं आपको करना चाहूँगी, ठीक है।
यहाँ पर पहले हम लेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो होता है हमारा, इसका जो स्थाई भाव होता है रति। आप सभी ने पढ़ा होगा श्रृंगार रस में दो पार्ट होते हैं, एक तो है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग। और इसका पर दोनों का स्थाई भाव हमारा क्या होता है, रति होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने या बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस माना जाता है। दूसरा होता है हमारा हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास। जब किसी विचित्र व्यक्ति या फिर उसकी वेशभूषा को देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारा करुण रस। करुण रस होता है शौक। जब अपने किसी प्रिय वस्तु या फिर अपने प्रिय व्यक्ति के खो जाने का या फिर उसका तुमसे अलग हो जाने का जो भय होता है, जो मतलब शोक उत्पन्न होता है दिल के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, करुण रस बोलते हैं। वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। फोर्थ होता है हमारा वीर रस। वीर रस उत्साह, जैसे कि किसी शत्रु के या फिर तुम्हारी शत्रु की या फिर किसी कठिन काम को करने में आपके अंदर जो एक हिम्मत सी आ जाती है, जो उत्साह आता है, तो वहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर होती है वीर रस की उत्पत्ति। पांचवा है हमारा रौद्र रस। यहाँ पर इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब कोई शत्रु आपका आपको कुछ बोल दे या फिर किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो एक दिल के अंदर जो आपके क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। छठा होता है हमारा भयानक रस। ये होता है भय से उत्पन्न। जब किसी भयानक वस्तु के बारे में सुनकर या फिर देखकर जो एक दिल में भय की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं भयानक रस। सातवां होता है हमारा विभत्स रस। ये इसका स्थायी भाव होता है घृणा जिगुप्सा। किसी घृणित व्यक्ति को देखकर या फिर उससे रिलेटेड कुछ घृणा सुनकर मन में घृणा का जो भाव उत्पन्न होता है, तो उसमें कौन से रस की उत्पत्ति होती है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। आठवां होता है हमारा अद्भुत रस। विस्मय आश्चर्य इसका स्थायी भाव होता है। किसी अलौकिक वस्तु को देखकर या उसके बारे में पढ़कर या कहीं कुछ ऐसा देखकर, तो एक जो हृदय के अंदर विस्मय और आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति होती है, अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। नौवां है हमारा शांत रस। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर ये क्वेश्चन ज़्यादातर बन के आ जाता है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और शांत रस इसमें क्या होता है, निर्वेद। जब आपके मन से एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। दसवां है हमारा वात्सल्य रस। इसका है वात्सल्य रति, इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य रस कब उत्पन्न होता है, जब कोई बच्चे की घृणाओं को देखकर उसके माता पिता के हृदय में जो वात्सल्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। फिर मैं बताना चाहूँगी, ग्यारहवां आखिरी हमारा रस है भक्ति रस। भक्ति रस है भगवत विषयक रति अनुराग, इसका स्थायी भाव है। जब भगवान से हृदय का ज़्यादा ही किसी का मिल जाता है, या फिर भगवान के प्रति जो मन में भक्ति रस आ जाता है किसी के, तो वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, भगवत विषय की रति की जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है हृदय में, वहाँ भक्ति रस की स्थापना होती है हमारी। ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, वो ये रहे, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये रहे अपनी स्क्रीन पर, आप भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि स्थायी भाव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अपने सारे जितने भी रस है सबके स्थायी भाव अच्छे से याद कर लिए ना, तो एक या दो क्वेश्चन तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ, इसमें से मिल जाएगा आपको पेपर में रखा हुआ। तो आप स्थायी भाव अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आप यहाँ बताओगे मुझे कि वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो उत्साह इसका स्थायी भाव है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब सेकेंड क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस या रसराज कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिसे सर्वश्रेष्ठ रस या फिर श्रृंगार रसराज कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन है मैंने इसे एक साइड कंबाइन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता रहे कि श्रृंगार रस को श्रेष्ठ रस और क्या कहते हैं, रसराज भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या मैंने आपको बताया था 33 होती है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है स्थायी भावों की कुल संख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नवरस भी कहा जाता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कवि बिहारी मुखिया थे, किस रस के कवि हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कवि हैं ये। और इसके नीचे सेम ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है, तो श्रृंगार रस में माधुर्य गुण उत्पन्न होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, रसोत्पत्ति के आशय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए अनुभव जो है रसोत्पत्ति के आशय की चेष्टाएं कही जाती हैं। इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से इसे पढ़ें, आपका 100% इसमें से लगेगा। वाक्यम रसाकम काव्यम किसका कथन है, ये विश्वनाथ जी का कथन है। ठीक है, ओके, टाठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध किस गुण से है, तो इन वर्णों का जो प्रयोग का संबंध है औज से है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बीएड एंट्रेंस में या तो 2005 में या फिर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो स्थायी भाव है जिसका उल्लेख भरत मुनि ने रस सूत्र में नहीं किया है। ठीक है,
एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा चौहान किस रस की कवित्री हैं? आपको पता होना चाहिए, वीर रस की कवित्री हैं दोनों। जो भाव मन में केवल अल्पकाल का संचरण करके चले जाएं वो क्या है? संचारी भाव है। मतलब कि जो भाव बहुत ही कम टाइम के लिए आए आपके मन में और उसका संचरण करके चले जाए तो वो कौन से भाव होते हैं? संचारी भाव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज हिंदी का रस चैप्टर कंप्लीट करा दिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।